सबसे स्टार्टिंग में आता है यहाँ पे चेकिंग फॉर पावर सप्लाई। ये पावर सप्लाई चेक करता है, ओके रहा तभी आगे बढ़ता है, अगर सप्लाई में प्रॉब्लम रहा तो ये आएगा ही नहीं। अभी यहाँ पे ये फर्स्ट विंडो है, यहाँ पे कंपनी आपका सैंपल रहा किसी कंपनी का तो आप यहाँ पे उस कंपनी का नाम डाल सकते हो। जैसे आपने बिहारगढ़ शेखोपुर सराय लिख दिया है, आपने प्रोजेक्ट और दूसरी साइट का है, मैं डाल देता हूं यहां पे रिपोर्ट जनरेशन पावर ग्रिड डाल देता हूं मैं। बीजीसी बी फॉर बॉम्बे। इसको रख देते हैं रोशन जी। हाँ हाँ यहाँ पे आप सैंपल आईडी भी डाल सकते हो, कुछ सैंपल का पर्टिकुलर आईडी रहा, अगर आपको कुछ भी डालना नहीं है तो वो आज का डेट ले लेता है, जैसे आज का 18 डेट है। तो ये क्या है, ये आप जो डाल रहे हैं ये प्रीवियस वाला है या तो फिर अभी जो परफॉर्म कर रहे हैं उसके लिए ये होगा? अभी के लिए होगा, ये सब अभी के लिए होगा। अभी जो मतलब प्रिंट आउट आएगा ना उसके ऊपर ये नाम आएगा, अभी जो ये टेस्ट होगा ना उसके ऊपर ये सैंपल डेट आ जाएगा। ठीक। ऑपरेटर नेम कुछ डालना नहीं है, यूजर नेम भी कुछ डालना नहीं है, पासवर्ड इसका 5x7 है। कमांड नहीं लेता क्या ऑपरेटर नेम? लेता है, लेता है ना, लेता है ना, लेता है। आप कुछ किसका भी यहाँ पे नाम डाल सकते हो इस तरह से, और पासवर्ड इसका फिक्स है 5x1। जब तक ये पासवर्ड डाल के एंटर नहीं करते तब तक आप इसमें कुछ कर नहीं सकते। यहाँ पे आ गया लॉगिन सक्सेसफुली। लॉगिन सक्सेसफुली होने के बाद यहाँ पे ये दो विंडो है, सेट में कुछ भी नहीं है, टेस्ट एंड रिकॉर्ड। यहाँ पे आपको टेस्ट में जाना है, टेस्ट में दो टाइप्स है, ब्रेकडाउन और विथस्टैंड। आपको खाली ब्रेकडाउन ही टेस्ट करना है, आपको ऑयल का बीडी भी लेना है, मतलब ओनली ब्रेकडाउन वोल्टेज टेस्ट। इसमें दो है, कस्टम टेस्ट एंड स्टैंडर्ड टेस्ट। कस्टम में ये आपके हिसाब से पैरामीटर डाल सकते हो, इनिशियल स्टैंड टाइम मतलब ऑयल रखने के बाद कितने टाइम के बाद आपको टेस्ट स्टार्ट करना है, यहाँ पे इनिशियल स्टैंड टाइम है, ये अप टू आप 99 मिनट्स तक डाल सकते हो। स्टरर टाइमिंग है, आपको स्टररिंग कितने देर तक करना है, इसका भी अप टू 99 मिनट्स डाल सकते हो। ये आपको, हाँ अगर आप में कस्टमाइज टेस्ट करना है तो कस्टमाइज आपके ऊपर डिपेंड है कि आपको कितना टाइम रुकना है, कितने इटरेशन लेने हैं, ये पूरे यहाँ पे कस्टमाइज है। अप टू 99 मिनट डाल सकते हो, 99 मिनट तो आप कितना भी डाल सकते हो। आपके पास बहुत ज़्यादा सैंपल है, आपको तीन ही साइकिल लेने तो आपने नंबर ऑफ इटरेशन तीन ही डाल दिया। आपको अभी आईएस है, आईएस में उन्होंने क्या कहा कि सबसे पहले 5 मिनट रुकना है, 5 मिनट रुकने के बाद टेस्ट ऑन होता है, तो इतना 5 मिनट का टाइम नहीं है, तो आपने यहाँ पे सीधा 1 मिनट भी डाल सकते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड है। उस तरह से स्टरर टाइमिंग है, आपको स्टरर यूज करना है नहीं करना है, नहीं करना होगा तो 0-0, करना है तो आप उसमें टाइमिंग डाल सकते हो। इंटर नहीं, अभी ये खाली दिखा रहा हूँ, हम बाद में उसको लगेंगे। इंटरमीडिएट स्टैंड टाइम उसी तरह से, दो टेस्ट के बीच में कितना अंतर चाहिए आपको, पहला हो गया तो दूसरे कितने बाद स्टार्ट करना है, इसके लिए है इंटरमीडिएट स्टैंड टाइमिंग। ये नंबर ऑफ इटरेशन, आपको कितनी बार टेस्ट लेना है, दो बार लेना है, तीन बार लेना है, छः बार लेना है। अच्छा, ये इटरेशन के बीच का गैप होगा ना? हाँ, ये इटरेशन के बीच का गैप है, इंटरमीडिएट। करंट लिमिट, करंट लिमिट आपको कुछ वेरी चाहिए तो आप इसमें करंट लिमिट भी अलग से डाल सकते हो। स्पीड कितना चाहिए, मैंने जैसे दिखाया 0.5, 1, 2, 3, 5, वो आप आपके हिसाब से यहाँ पे डाल सकते हो, ये पूरा कस्टमाइज है। और ये पूरा स्टैंडर्ड टेस्ट है, यहाँ पे खाली अभी मान लो ये 5 मिनट टेस्ट है, मैंने यहाँ पे एंटर कर दिया, यह आए पूरे 5 मिनट के पैरामीटर, उसके बाद खाली एंटर कर दिया, ऑटोमेटिक ले लिया ना, और स्टार्ट कर दिया तो ये ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पे आपको कुछ भी पैरामीटर डालने की जरूरत नहीं है, इसमें ऑलरेडी फिटेड है स्टैंडर्ड के पैरामीटर्स। और यहाँ पे रिकॉर्ड से जितने भी साइकिल आप लोग हैं आपने सेव किए तो यहाँ पे आ जाएंगे। आप इसमें बात करते हैं, रिकॉर्ड सेव होता है 100 साइकिल सेव हो सकता है सर। 100 होने के बाद जो पुराने वाला है वो निकल जाएगा और नया वाला इंसर्ट हो जाएगा, और आप कंप्यूटर में डाउनलोड भी कर सकते हैं, यूएसबी केबल के थ्रू कंप्यूटर में जो रिकॉर्ड है डाउनलोड कर सकते हैं।
अभी ये कौन सा टेस्ट से लगाना है कुछ क्या आपका स्टैंडर्ड कुछ है या आप कस्टमाइज्ड टेस्ट फॉलो करते हो वो कस्टमर के ऊपर डिपेंड है कि आपका स्टैंडर्ड उसमें कुछ सेट होगा ना जैसे कस्टम में क्या करते हैं कस्टम में हम लोग अपने स्टैंडर्ड में भी सर जी पूरा स्टैंडर्ड में भी पूरा वर्ल्ड वाइड स्टैंडर्ड दिए वो आपके ऊपर डिपेंड है स्टैंडर्ड है कौन सा ये सेलेक्ट करो पूरा वर्ल्ड वाइड स्टैंडर्ड इसमें पूरे दिए सेलेक्ट करो स्टार्ट करो दैट्स ऑल इसी में से कुछ पेमेंट टेस्ट करता है ना 5 मिनट टेस्ट लगा ये सिर्फ आईसी पे है या तो फिर अदर इंटरनेशनल भी नहीं 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 इंटरनेशनल ये देखिए ना एएसटीएम मतलब अमेरिकन स्टैंडर्ड है फोटो ले लीजिए इसमें।